हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज तेलुगु धोती की कटिंग करने के लिए सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट यहाँ पे 1.25 इंची इस तरह से मार्किंग एक लगा लेना है। उसके बाद लंबाई कितना है? 18 इंची। तो यहाँ पे लंबाई के लिए तो इधर से सेट नहीं होता, हम अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। फर्स्ट वेस्ट का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो वेस्ट है 21 इंची, 21 इंची है। तो हम एक निशान 10.5 पे लगाए और दूसरा निशान हम 13 इंची पे लगाए। 13 इंची जो लगाया हूं मैं, उसमें 4 इंची कंपलसरी धोती में लूजिंग चाहिए। अगर वेस्ट 21 इंची है तो हम 26 इंची कट करेंगे। 26 इंची निशान दो भाग में अगर कर रहे तो 13 इंची आ रहे, ठीक है। तो हम 13 इंची पे ये एक निशान लगाए और एक 0.5 इंची जो हम लगाए, क्योंकि 13 इंची बिल्कुल रेडी आना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो ये 0.5 इंची जो लगाए हम मार्जिन को छोड़ के लगाए। उसके बाद और 0.25 इंची जो हम लगाए वो हम आसन के लिए लगाए, ताकि आसन जो है कितना रखना है वो देख के अभी हम सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। अब लेंथ बड़ा करने के लिए मिनिमम इधर 11 इंची पे मैं निशान लगा दी, और नीचे से लेंथ बड़ा होता छोटा होता, ठीक है। लेंथ कभी भी नीचे से ही होता, ठीक है। तो अभी हम लेंथ के बारे में हम बताता हूँ। फर्स्ट यहाँ से एक सीधा मार्किंग कर दिया, उसके बाद आसन के लिए भी यहाँ से मार्किंग कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये जो है मिनिमम 5 से 6 इंची पे एक निशान लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे हम, चलिए यहाँ से हम रेडी 5.5 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये निशान को भी दो साइड से ऐसा निशान लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये शेप लगने के बाद, अब जो हम यहाँ पे ये शेप जिधर से प्लेट जो लगता उधर हम निशान लगाएंगे, ठीक है। कुछ फर्स्ट हम सामने में थोड़ा खींच लिया हूं, उसके बाद देख लेते हैं ये लेंथ का जो है। कभी भी ये मार्किंग हम नॉर्मली 18 इंची लगा के ऐसा सीधा कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी लेंथ नीचे से बड़ा होता, नीचे से यहाँ पे आप बिल्कुल ये अगर 18 इंची लेंथ है, ठीक है, तो उसको यहाँ 30 इंची पे हम निशान लगा रहे हो। 30 या तो 31 पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 इंची पे ये निशान रेडी हम लगा दिए। तो आप एक बार देख लीजिए ऐसा, ये देखिए यहाँ पे आधा अगर हम कर रहे हो तो ये 13 इंची से ऐसा कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा 30 इंची में फोल्ड होके रेडी आ रहा है हमारा लेंथ, 19 इंची लेंथ कंप्लीट आते, ठीक है। चलिए कभी भी लेंथ इधर से ही एडजस्ट होता, क्योंकि अगर आपका लेंथ 18 इंची है तो 18 ऐसा नहीं करना है आपको, आड़ा में ये करना है। चलिए अब ये शेप जो लगाना है कुछ इस तरह से ऐसा शेप लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये निशान हमारा पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम फर्स्ट कटिंग कर दे रहा हूँ। आप पूरी वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, ठीक है। अगर आपको ये कटिंग समझ में आ गए तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। अगर आपको ये कटिंग का वीडियो है, दूसरा वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो सिलाई का भी अपलोड करूंगा, वो भी आप वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। चलिए ये कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आसन के लिए फर्स्ट साइड एक लेवल कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम अब हम आसन की कटिंग करेंगे। आसन जो कटिंग करना है आपको कुछ इस तरह से, देखिए 13 इंची मार्किंग है उधर छोड़ के हम मार्जिन कटिंग कर रहा हूँ। ये जो दो मार्किंग हम 0.25 इंची पे लगाए, आसन की कटिंग भी हमारा यहाँ से कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए ये कटिंग तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर आप घर में सिलाई कर रहे तो अपने अपने बच्चे के लिए तेलुगु धोती बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इसलिए आप ये वीडियो एक बार देख लिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार में तो कंपलसरी आपको ये वीडियो समझ में आते, ठीक है। चलिए आप सभी का, अगर ये कटिंग आपको अच्छा लगे तो हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। ये नीचे वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेपा को कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी मिनिमम रेडी आना चाहिए 3 इंची। तो ये हम आसा ये वेस्ट रखे थे हम 13 इंची, तो यहाँ पे भी हम 13 इंची पे मार्किंग लगा दिए, और यहाँ पे हम 4 इंची हमारा ये रेडी आना चाहिए, 3, 3.5 से 4 इंची, ठीक है। अब ये 13 इंची वेस्ट है, 13 इंची वेस्ट लगा लिया और पूरा मार्किंग करके हम अब इसको कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहे हैं। चलिए ये कटिंग भी हमारा नेफा का भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये कुर्ता की भी कटिंग देखना है तो चैनल के नीचे है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का